अस्सलामुअलैकुम। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो भेज रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मसरूफ रह गई थी। मैंने रेंट पे रहते थी ना, तो मैंने अपना घर चेंज किया और बहुत ही मसरूफ, बहुत ज़्यादा ही मसरूफ थी मैं। और शुक्र अल्लाह का आज मेरा एक कमरा बिल्कुल सेट हो गया है और मैंने रोजी खाना भी सेट किया और मैंने अपना कमरा भी सेट कर लिया। और पहला दिन है, उसके बाद फिर मैं कहा अच्छी जी डिश बना के खिलाऊँ और मैं नाले रेसिपी बन जाएगी और नाले सुना के मैं आपको दिखा दूँगी और नाले रेसिपी बन जाएगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी देर 3-4 चम्मच में दही डालूँ, ये लहसुन और अदरक का 1 चम्मच ये डालूँगी और ये हरी मिर्चें बारीक 5-6 मिर्चें ये काली मिर्च 1/2 चम्मच, बल्कि 1/2 चम्मच से भी मैं थोड़ी कम ही डालूंगी। मसाला कुटा हुआ एक चम्मच, पीसा हुआ धनिया 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च लाल मिर्च जिसको कहते हैं थोड़ी सी और डाल, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच में सिरका डालूं, बस इसके साथ मजे का बनता है। 3 छोटे छोटे नींबू भी बिल्कुल डाल मिक्स डालें। विंग्स है ना किलो किलो में लिया ये, इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह मसल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये घंटा, एक पूरा घंटा पड़ा रहेगा, इसको अच्छी तरह मसाला इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसको फ्राई करेंगे। अब मैं जिसना के रोस्ट को फ्राई करने लगी, ये देखो पूरा घंटा हो गया। आज मैं आपको किचन दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको, आज मेरा घर अच्छे से सेट नहीं हुआ, फिर मैं आपको सारे घर की वीडियो दिखाऊंगी। मेरा घर ना कि ये मेरा किचन छोटा सा और देखो शुक्र करना चाहिए, कभी अपना भी तो देगा ना। अंडा फेंटा, पहले मैं अंडा लगा रही हूँ और उस तो बाद ये मैं तो ना, वैसे कोई बात नहीं, आप कौन फ्लोर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इसको अच्छी तरह मसल के
तलना है रोज को फ्राई करना, अंदर से जरा अच्छी तरह काफी दें। मैंने कढ़ाई में जितना के साल गए वो ना फ्राई पान से अच्छी तरह बिल्कुल से हो गए। और अब मैं खाली अंडे लगा रही हूँ, अंडे से अंडा लगा के और फ्राई कर रही हूँ। देखो जी हमारा रोस्ट बिल्कुल तैयार हो गया। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसको ट्राई ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और फॉलो करना और मेरी वीडियो शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।